ऐसा है कि धार्मिक स्थल जो खुल रहे हैं इसमें पब्लिक को एक जिम्मेदारी पूर्वक जो है इसका जो है जो सरकार की गाइडलाइन है उसका आप अक्षरशः पालन करना चाहिए, क्योंकि देश इस समय कोविड-19 के चपेट में है और प्रवासियों के वापस होने पर जो है तो संक्रमितों की संख्या काफी तादाद में बढ़ चुकी है। इसलिए अब पब्लिक जो है स्वयं जिम्मेवारी का निर्वहन करें और जैसा कहा कि 5 आदमी से ज्यादा कहीं भी इकट्ठे ना हो तो एक एक करके लोग दर्शन पूजन करें। और मेरा मानना तो यह है कि बाहर से लोग किसी भी धर्म स्थल में अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक यह कोविड-19 का खतरा पूर्ण रूप से टल नहीं जाता है तब तक लोग अपने अपने घर में ही जो है पूजा पाठ करें। और वहीं से देखिए भगवान सब जगह है, कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी धार्मिक स्थल में वहां लाखों की भीड़ करके गैदरिंग करके और संक्रमण को बढ़ा करके और देश में एक और समस्या पैदा करें। इसलिए मैं जगतगुरु परमहंस आचार्य सभी जनता से 140 करोड़ देशवासियों से हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोग अपने अपने घर में पूजा पाठ करें और बाकी जो आप जैसे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो काम धाम करें और जो आपके आवश्यक कार्य हैं उसको पूरा करिए। लेकिन किसी भी धार्मिक स्थल में कभी भी जो है आप ये प्रयास करिए कि भीड़ कदापि इकट्ठा मत हो करिए, 5 आदमी से ज्यादा कहीं इकट्ठे ना हो, क्योंकि अब पब्लिक की जिम्मेवारी है कि कोविड-19 को हम लोग कैसे अलविदा करें। और वैसे भी यह कोविड-19 से जो तमाम विकसित राष्ट्र थे जहां लाखों की संख्या में लोगों की जान गई है, लेकिन भारत को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये लॉकडाउन का जो प्रयास रहा ये रामबाण सिद्ध हुआ और इससे देश जो है लाखों की नहीं करोड़ों की जान बच गई है। इसलिए अब पब्लिक की जिम्मेवारी है कि हम लोग कितना जो है साफ सफाई का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और भीड़ न लगाएं, जो आवश्यक कार्य है केवल उसके लिए निकलें और एक एक करके निकलें, सोशल जो है जो फिजिकल डिस्टेंस है उसको बना के रखें, तो निश्चित रूप से हम लोग कोरोना की जंग अब जीत चुके हैं। अंतिम लड़ाई चल रही है और ये अंतिम लड़ाई भी भारत जीतने वाला है, सिर्फ पब्लिक अपनी जिम्मेवारी का परिचय दे। और धन्य है हम भारतवासी कि सदियों के बाद, मैं तो कहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाद में अगर देश को कोई राष्ट्रभक्त का नेतृत्व मिला है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिला है। हम सब भाग्यशाली हैं। मैं 140 करोड़ देशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, योगी जी को बधाई देता हूं, अमित शाह जी को बधाई देता हूं और जनता से हाथ जोड़ता हूं कि कोविड-19 को अलविदा करना हम पब्लिक का, हम जनता का काम है। इसलिए हम लोग साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे, सरकार की जो गाइडलाइन है उसका अच्छा से पालन करेंगे। जय श्री राम।